सांप एक ऐसा जीव है जो हमेशा से लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग इससे डरते भी हैं। अनेक ग्रंथों में भी नागों से संबंधित कथाएं पढ़ने को मिलती है। महाभारत के आदि पर्व में नागों की उत्पत्ति और राजा जनमेजय द्वारा किए गए नागा यज्ञ से संबंधित कथा का वर्णन है। यह कथा बहुत ही रोचक है। आज हम आपको नागवंश की उत्पत्ति से संबंधित वही कथा बता रहे हैं। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। इनमें से कद्रु भी एक थी। सभी नाग कद्रु की संतान हैं। महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी का नाम विंटा था। पक्षीराज गरुड़ विंटा के ही पुत्र हैं। एक बार कद्रु और विंटा ने एक सफेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कद्रु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है और विंटा ने कहा कि सफेद। इस बात पर दोनों में शर्त लग गई। तब कद्रु ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा कर घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं, जिससे उसकी पूंछ काली नजर आए और वे शर्त जीत जाए। कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रु ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम राजा जनमेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर सांप अपनी माता के कहे अनुसार उस सफेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विंटा कद्रु की दासी बन गई। जब गरुड़ को पता चला कि उनकी मां दासी बन गई है, तो उन्होंने कद्रु और उनके सर्प पुत्रों से पूछा कि तुम्हें मैं ऐसी कौन सी वस्तु लाकर दूं, जिससे कि मेरी माता तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो जाए। तब सर्पों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत लाकर दोगे तो तुम्हारी माता दासत्व से मुक्त हो जाएगी। अपने पराक्रम से गरुड़ स्वर्ग से अमृत कलश ले आए और उसे कुशा पर रख दिया। अमृत पीने से पहले जब सर्प स्नान करने गए, तभी देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर उठाकर पुन स्वर्ग ले गए। यह देखकर सांपों ने उस घास को चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा था। उन्हें लगा कि इस स्थान पर थोड़ा अमृत का अंश अवश्य होगा। ऐसा करने से ही उनकी जीभ के दो टुकड़े हो गए।